भाई ये चीज़ मुझे कमाल लगी, हम फ्लोटिंग विंडो में भी यहाँ पर BGMI ऑन कर रहे हैं और आराम से खेल पा रहे हैं। हाय गाइस, एमटेक में स्वागत है। आपके पैसे वसूल हो जाने वाले ऐसे टॉप 20 अमेजिंग फीचर्स शो करने वाला हूँ रेडमी 13 5G के, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर है यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग। तो कॉल रिकॉर्डिंग आपको ऑन करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाना है डायलर पे। डायलर को ओपन करते हैं, यहाँ पर ऊपर जो सेटिंग बटन है उसको क्लिक करें और जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग उस पर क्लिक करें तो ये आपको आ जाएगा सामने। ये जो दो ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है आपको, और ऑल नंबर पर सेट करोगे तो सारे नंबर आपके कॉल रिकॉर्ड करेगा। बाकी आप सिलेक्टेड नंबर भी यहाँ पर कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक 2 या 3 पीपल का यहाँ पर करना है अगर कॉल रिकॉर्डिंग, तो वो भी है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है अननोन नंबर, कि आपके अगर कॉन्टेक्ट में सेव नहीं है तो उसका भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फीचर नंबर 2 है यहाँ पर हमारा क्विक डायल। तो इसको यहाँ पर कैसे चलाना है क्विक डायल को, तो सबसे पहले आपको आ जाना है डायलर में। डायलर में जाके यहाँ पर आपको सेटिंग बटन पर क्लिक करना है ऊपर, और फिर हमें आ जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग के बाद यहाँ पर आ जाना है क्विक डायल, और यहाँ पर जो नंबर आ गए आपको 2 नंबर यहाँ पर प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपको ये पूछेगा कौन सा नंबर आपको सिलेक्ट करना है। आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फिर बैक आ जाए और इसको हम टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको डायलर ऑन करना है। डायलर ऑन करते ही यहाँ पर 2 नंबर होल्ड कर रखना है। यहाँ पर मेरा सिम कार्ड लगा नहीं इसलिए दिखा रहा है, बाकी जो सिलेक्ट करोगे तुरंत आपको नंबर शो करने लगेगा। फीचर नंबर 3 है यहाँ पर स्क्रीनशॉट स्टाइल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ले सकते हो 3 फिंगर स्वैप डाउन करके एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सेकंड, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन बार में आके यहाँ पर जो कैची वाला यहाँ पर लोगो है उस पर क्लिक करके आप ले सकते हो। और थर्ड जो है, आपको अगर पेपर वगैरह का या कोई आपको पेज है उसको अगर आप कटआउट करके या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पर 3 फिंगर होल्ड करना है, और यहाँ पर आप यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऊपर, उसको टच करके आप अपने हिसाब से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। फीचर नंबर 4 है यहाँ पर फोटो को आपको कैसे हाइड करना है गैलरी वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट और फेस डाटा जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज़ करना है, और यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ LSAP में यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर नॉट नाउ, और अब हम आ जाते हैं एल्बम में हमारे। यहाँ पर मैं गैलरी ऑन कर लेता हूँ। गैलरी ऑन करने के बाद यहाँ पर कोई भी फ़ोटो में समझो यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने लॉन्ग प्रेस होल्ड किया और यहाँ पर ऐड टू एल्बम, और यहाँ पर प्राइवेट एल्बम में यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ओके करना है। तो ये आपका फ़ोटो हाइड हो गया। अब इसको अनहाइड करने के लिए क्या करना है आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अनहाइड के लिए क्या करना है, ज़ोर से यहाँ पर स्वाइप डाउन करना है। तो यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर मैं मेरा पासवर्ड डालता हूँ, ये मेरा हाइड फोटो है। अब इसको अनहाइड कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर मूव टू, देखो यहाँ पर जो बीच में वाला ऑप्शन है उसको करना है, और कोई भी यहाँ पर एल्बम में सेलेक्ट कर देना है। ये आपका हो गया अनहाइड। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं एल्बम में, फिर ये आ गया। फीचर नंबर 5 है यहाँ पर ऐप लॉक। तो उसको कैसे ऑन करना है, सबसे पहले आ जाना है हमको सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद यहाँ पर आपने ऐप और ऐप लॉक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपको यहाँ पर L लगा देना है, मैं एग्जाम्पल में लगा दे रहा हूँ L। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये सब मैं लेटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो सब शो कर रहे हैं, मैंने YouTube गैलरी सब यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड है वो आप ऐसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एल्बम खोलते हैं, तो यहाँ पर देखो आप ऐप लॉक लग चुका है, मेरे को पासवर्ड पूछ रहा है और मैं पासवर्ड मार रहा हूँ तो यहाँ पर ओपन हो रहा है। और दूसरा भी हम YouTube चेक कर लेते हैं, जी यहाँ पर कम्प्लीटली हो चुका है ऐप लॉक। फीचर नंबर 6 है यहाँ पर ड्यूल ऐप। तो यहाँ पर ड्यूल ऐप आपको कैसे ऑन करना है, सेटिंग में आने के बाद ऐप में जाना। ऐप में जाने के बाद यहाँ पर ड्यूल ऐप है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐप मिल रहे हैं हमें। देखो फोन पे मिल रहा है, पबजी वगैरह मिल रहा है, गूगल पे मिल रहा है, अमेजोन मिल रहा है, बहुत सारे यहाँ पर हमें ड्यूल ऐप में इनबिल्ट मिल रहे हैं अवेलेबल। तो यहाँ पर हम 2 फोन पे और 2 गूगल पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 नंबर है और 2 बैंक अकाउंट है तो आप एक ही फ़ोन में 2 फोन पे यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फ़ोन में। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों ही फ़ोन पे यहाँ पर वर्क कर रही है, फर्स्ट फ़ोन पे, और यहाँ पर 2 गूगल पे है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ड्यूल ये दूसरा गूगल पे मैं खोल ऑन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर वर्क कर रहा है। फीचर नंबर 7 है यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो। तो उसको कैसे ऑन करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आ जाना है एडिशनल सेटिंग में, और यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन यहाँ पर ऑन कर देना है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, स्लाइड बार ओपन करते हैं।
तो यहाँ पर टोटल हम दो विंडो ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर क्रोम और फिर हम सेकंड करने वाले हैं पबजी। पबजी यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हैवी गेम है तो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर वर्क कर रहा है पबजी, और हमने टेस्ट किया कि भाई खेल के तो यहाँ पर बटन वगैरह भी वर्क कर रहे थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस रेंज के फ़ोन में भी यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में पबजी सपोर्ट कर रही है। फीचर नंबर 8 है यहाँ पर 100 मोड यूज़। तो इसको ऑन कैसे करना है, सबसे पहले आ जाना है सेटिंग में और फिर आ जाना है एडिशनल सेटिंग और यहाँ पर 100 मोड है उसको ऑन कर देना है। आपको यहाँ पर यूज़ कैसे करना है, देखो जो सेंटर बटन है वहाँ पर से स्वाइप करना है लेफ्ट, तो यहाँ पर ये आपका डिस्प्ले छोटा हो जाएगा और आप यहाँ पर वन हैंड से आराम से यूज़ कर सकते हो, बैक वगैरह आराम से कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फीचर नंबर 9 है यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन। सबसे पहले यहाँ पर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो गूगल असिस्टेंट आ जा रहा है। तो यहाँ पर इसको कैसे हमको ऑफ करना है, तो यहाँ पर आपको करना है ओपन सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है एडिशनल सेटिंग में और यहाँ पर जेस्चर शॉर्टकट है वहाँ पर लॉन्च गूगल असिस्टेंट करके आएगा, उसको यहाँ पर ऑफ कर देना है। और फिर आपको यहाँ पर मैं चेक करके बताता हूँ कैसे होता है। देखो यहाँ पर मैंने लॉन्ग प्रेस किया और ये यहाँ पर आ गया पावर ऑफ बटन। फीचर नंबर 10 है यहाँ पर टॉर्च ऑन पावर बटन। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है आपको सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद एडिशनल सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर जो जेस्चर एंड शॉर्टकट है उसको क्लिक करना है। यहाँ पर देखो टर्न ऑन टॉर्च करके लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और ये ऑन हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर डबल प्रेस करना है आपको और यहाँ पर देखो ये चालू हो गया फ्लैशलाइट, डबल प्रेस करना तो यहाँ पर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है डबल प्रेस करके। फीचर नंबर 11 है यहाँ पर डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ओपन करना है सेटिंग, फिर आपको आ जाना है एडिशनल सेटिंग में, यहाँ पर जेस्चर एंड ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डबल टैप टू फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर मैं साइलेंट मोड रख देता हूँ, तो यहाँ पर हम कोई मीटिंग या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में अगर हमारे फ़ोन को साइलेंट करना है तो ये देखो डबल टैप करके आप साइलेंट मोड यहाँ पर ऑन हो रहा है और डबल टैप करोगे तो यहाँ पर साइलेंट मोड वापस ऑफ हो रहा है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फीचर नंबर 12 है यहाँ पर फ्रंट साइज। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले और ब्राइटनेस में आ जाना है। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे आके आपको देखो फोन का यहाँ पर सेटिंग दिख रहा है, वो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप स्मॉल और बिग कर सकते हो अपने फंड्स को यहाँ पर स्वाइप अप करके। फीचर नंबर 13 है यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन को चेंज कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आ जाना है एडिशनल सेटिंग और जेस्चर और शॉर्टकट्स में यहाँ पर आपको आ जाना है, फुल स्क्रीन यहाँ पर सिलेक्ट करना है और अब यहाँ पर देखो चेंज हो जाएगा। अगर मिनिमाइज़ करना हो तो यहाँ नीचे से आपको यहाँ पर स्वाइप अप करना है तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, और बैक करना हो तो यहाँ पर आपको राइट साइड से लेफ्ट करना है आपको अपने फिंगर को, तो यहाँ पर बैक हो जाएगा। फीचर नंबर 14 यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंड। मेमोरी एक्सटेंड आपको कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितना जीबी रैम है यहाँ पर, 6 GB देखो आप दिखा रहा है, तो इसको मैं एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड कैसे करना है, सबसे पहले आ जाना है आपको सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में, और देखो यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंड करके यहाँ पर मैं 6 GB सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रिबूट करता हूँ। अब यहाँ पर रिबूट करके फिर आपको मैं वापस दिखाऊँगा कितना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अबाउट में जाके डिटेल और स्पेक्स में जाके कितना GB रैम है। देखो यहाँ पर 6+6 GB दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपकी एक्सटेंड हो चुकी है रैम। फीचर नंबर 15 है यहाँ पर सो कनेक्शन स्पीड। इंटरनेट की स्पीड आपको देखना है तो कैसे देखना है, ऊपर नोटिफिकेशन बार में। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन स्टेटस बार में आके यहाँ पर देखो यहाँ पर दिखाएगा ऑप्शन जो कि ये शो कनेक्शन स्पीड, तो इसको ऑन कर देना है तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपकी इंटरनेट स्पीड का, यहाँ पर कितनी स्पीड से आपका इंटरनेट चल रहा है। फीचर नंबर 16 है यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर कैसे ऑन करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ये देखो बैटरी इंडिकेटर का नीचे आ जाएगा ऑप्शन, इसको ऑन कर देना है तो यहाँ पर ऊपर आपको जो शो कर रहा है कोने में उधर यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ पर आप दोनों रख सकते हो इनसाइड और आउटसाइड, वो आपकी चॉइस है। फीचर नंबर 17 है यहाँ पर स्क्रीन टाइम। तो इसको आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग ओपन करना है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आना है फिंगर एंड फेस वाले ऑप्शन में, सबसे नीचे आ जाना है लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पे सिलेक्ट करके यहाँ पर स्लिप करके इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पर अपने हिसाब से आप रख सकते हो कि आपको स्क्रीन कितने टाइम तक चालू रहना चाहिए, लगातार 10 मिनट्स है, और नेवर करेंगे तो जब तक आपकी बैटरी ख़त्म नहीं होती तब तक यहाँ पर स्क्रीन ऑन ही रहेगा, जब तक आप पावर बटन ऑफ नहीं करते। तो ये चीज़ आपको कुछ भी यहाँ पर पढ़ना हो, यहाँ पर टेक्स्ट रीडिंग करनी हो, तब यहाँ पर काम आ सकता है।
फीचर नंबर 18 है यहाँ पर नोटिफिकेशन बार सिंबल्स। तो यहाँ पर हमको सिंबल अगर ऐड करना और रिमूव करना हो तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है नोटिफिकेशन बार में, यहाँ पर नीचे एडिट करके ऑप्शन है वहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ अपने हिसाब से देखो एडिट आ जाएगा और यहाँ पर नीचे जो भी सिंबल है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे 2000 में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर यस कर देना है। तो यहाँ पर आपके जो भी आपने सिलेक्ट किए वो आ जाएंगे नोटिफिकेशन बार में ऑटोमेटिक सिंबल। फीचर नंबर 19 है यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले। तो इसको कैसे ऑन करना है, आपको सबसे पहले आ जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाना है। डिस्प्ले के बाद यहाँ पर देखो 120 हर्ट्ज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कस्टम करके यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ पे यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है आपको। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका 120 हर्ट्ज़ है डिस्प्ले वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मूथनेस वगैरह बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको टच वगैरह में यहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है और मोबाइल यूज़ करने में बहुत ही स्मूथ लगेगा। फीचर नंबर 10 है यहाँ पर कैमरा सेटिंग्स। तो उसको हम देख लेते हैं कैमरा सेटिंग्स हमें क्या क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कैमरा। फोटो में हमें देख लेते हैं यहाँ पर जूम 10x तक मिल रहा है। पोर्ट्रेट मोड में देख लेते हैं यहाँ पर अपर्चर 1 से लेके यहाँ पर 16 तक मिल रही है। अगर नाइट मोड वगैरह में यहाँ पर जूम देखें तो यहाँ पर भी 10x ही हमें मिल रहा है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है 108 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ही अच्छे फोटो अगर आपको क्लिक करनी है तो ये ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पर डिटेल वगैरह अच्छी आएगी फोटो क्लिक करते वक्त। बाकी वीडियो वगैरह में देखें तो यहाँ पर वीडियो में कितना FPS है, 30 FPS है और 720p और 1080p में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K का ऑप्शन नहीं मिल रहा है इस फोन में। और टाइम लैप्स वगैरह में देखें तो टाइम लैप्स में यहाँ पर हमें 6x तक जूम मिल रहा है। बाकी जो फीचर है यहाँ पर ऊपर एरो में वो मैं आपको शो कर देता हूँ, आप देख सकते हो कौन से फीचर है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सेल्फी कैमरा में कौन से फीचर है। हमें नाइट मोड मिल रहा है, पोर्ट्रेट मोड मिल रहा है, फोटो मिल रहा है, वीडियो हमें यहाँ पर देख लेते हैं 1080 30 FPS में मिल रहा है और टाइमलेस वगैरह भी यहाँ पर हमें फ्रंट कैमरा में मिल रहा है। ये सारे ऑप्शन थे दोस्तों, ये आपको कैमरा फीचर यहाँ पर मिल रहे हैं रेडमी 13 5G में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा टॉप 20 में वो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।